सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट सीयूईटी केमिस्ट्री। माय नेम इज यश जैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो ये सीयूईटी की फिफ्थ वीडियो है, ठीक है, सीयूईटी की फिफ्थ वीडियो है। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप वो देख लो। इस वीडियो में हम बायोमोलिकुल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं 3 साल के, ठीक है, 3 साल के, 2023, 2022, 2023 एंड 2024 के 3 साल के हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं। अगर आपने पीवाईक्यूज कर लिए तो आपके 25 मार्क्स पक्के हैं CUET 2025 के पेपर में, क्योंकि इस साल आपके बायोमोलिक्यूल से 5 क्वेश्चंस पक्के आएंगे। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप CUET का एग्जाम देने वाले हो केमिस्ट्री से। बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बोल रहा है अमीनो एसिड इन ज्यूटर आयनिक फॉर्म शो, क्या वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, बेसिक बिहेवियर, एम्फोटेरिक बिहेवियर या न्यूट्रल बिहेवियर। तो देखो, हमारा कोई भी अमीनो एसिड है वो कैसा होता है, हमारा अमीनो एसिड होता है ऐसा NH2COOH, यहाँ पे कोई भी R ग्रुप लगा होता है और H लगा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर से इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है ऐसा NH3+C CO- R और H। तो अब ये बेसिक भी हो गया, ठीक है, बेस की तरह बिहेव भी कर रहा है और एसिड की तरह बिहेव भी कर रहा है, ठीक है, ये बेस और एसिड दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, दैट्स व्हाई इट शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, ठीक है। एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा वो, मतलब करेगा बट दोनों करेगा ना, बेसिक भी करेगा बट दोनों करेगा, तो एम्फोटेरिक बिहेवियर करेक्ट होगा, ठीक है। वो एसिडिक बिहेवियर भी शो करेगा और वो बेसिक बिहेवियर भी शो करेगा, दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि इट शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर। एम्फोटेरिक मतलब जो बेस की तरह भी एक्ट करे और एसिड की तरह भी एक्ट करे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है बहुत ही इजी है, ग्लूकोज से है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड कौन सा होगा। देखो, ग्लूकोज हमको पता है मोनोसैकेराइड होता है, ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड होता है, माल्टोज और स्टार्च, तो स्टार्च भी पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज है, और माल्टोज जो होता है वो हमारा डाइसैकेराइड होता है, ठीक है, माल्टोज जो है हमारा डाइसैकेराइड होता है। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। माल्टोज किसका डाइसैकेराइड होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज का डाइसैकेराइड होता है हमारा माल्टोज, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, हम कुछ दे रखे हैं कंपाउंड्स और हमको बताना है कि वो किसके लिए यूज होते हैं या वो क्या है। तो देखो, इंसुलिन हमको पता है, इंसुलिन क्या होता है। अच्छा, कैसे करेंगे क्वेश्चन अगर किसी को कुछ नहीं बता दो, तो देखो टेस्टोस्टेरोन हमको सबको पता है, टेस्टोस्टेरोन किस में होता है, मेल्स में होता है, तो मेल सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। सी का हो गया हमारा सेकंड, सी का सेकंड देखो कहां पर है, सी का सेकंड दो जगह है, एक सेकंड में और एक फोर्थ, मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकते। हमको पता है टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल सेक्स हार्मोन होता है, सी का हो गया सेकंड, तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। अब हमको यही पता होता है कि एस्ट्राडायोल जो होता है वो क्या होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, मतलब डी का फर्स्ट हो गया, तो डी का फर्स्ट यहां पर भी दे रखा है और डी का फर्स्ट यहां पर भी दे रखा है, तो डी से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। थायरोक्सिन देखो, थायरोक्सिन जो होता है वो किस में होता है, थायरोक्सिन जो है वो थायरॉयड ग्लैंड्स में होता है, ठीक है, थायरोक्सिन जो होता है वो थायरॉयड ग्लैंड्स में होता है, तो बी का हो गया हमारा थर्ड, तो बी का थर्ड कहाँ दे रखा है, देखो ये गलत हो जाएगा कि बी का फोर्थ दे रखा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकंड, ठीक है, बी का होगा हमारा थर्ड। और ए का इंसुलिन, जिसको पता नहीं है वो बताया था मैं, इंसुलिन यूज होता है जो हमारा ग्लूकोज लेवल अगर डाउन हो जाता है ना, तो उसको ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, टू बैलेंस द ग्लूकोज लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसलिए हम यूज करते हैं इंसुलिन। तो ए का हो जाएगा हमारा फोर्थ, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आपको लगानी है ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक, उससे आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी स्वीट, मतलब हमको बताना है नॉन स्वीट कौन सा है इनमें से। देखो, आपको पता होना चाहिए कि नॉन स्वीट कौन से होते हैं, नॉन स्वीट वो होते हैं जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, ठीक है, मोनोसेकेराइड भी स्वीट होते हैं, डाइसेकेराइड भी स्वीट होते हैं, बट जो नॉन स्वीट होते हैं वो कौन से होते हैं, पॉलीसेकेराइड, जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो हमारे नॉन स्वीट होते हैं। तो देख लो आप कौन सा पॉलीसेकेराइड है, देखो माल्टोस हमारा डाइसेकेराइड है, लैक्टोस हमारा डाइसेकेराइड है, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज से बनता है, सॉरी गैलेक्टोस और ग्लूकोज से बनता है, लैक्टोस जो है वो गैलेक्टोस और ग्लूकोज से बनता है, और फ्रक्टोज भी हमारा मोनोसेकेराइड है, तो ये सारे तो क्या होंगे, स्वीट होंगे, ये भी स्वीट होगा और ये दोनों भी स्वीट होंगे, ठीक है, इन टेस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन हमारा पॉलीसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड होने की वजह से वो क्या होता है, नॉन स्वीट होता है या स्वीट नहीं होता, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलते नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट हमारा पॉलीमर से भी है, पॉलीमर देखो पॉलीमर से आ गया क्वेश्चन, बट हमको हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये सेलुलोज और आरएनए से। देखो हमको पता है सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, सेलुलोज क्या हमारा पॉलीसेकेराइड है। अब पॉलीसेकेराइड में आपको पता है कौन सी लिंकेज होती है, कौन सी लिंकेज होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, कौन सी लिंकेज होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मतलब सी का हो गया फर्स्ट, सी का ऑप्शन फर्स्ट कहां पे दे रखा है, तो देखो यहां पे ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ आपके एक ऑप्शन से, सिर्फ एक ऑप्शन से आपको करेक्ट आंसर मिल गया, आ रहा समझ में, करेक्ट आंसर मिल गया एक ऑप्शन से, तो सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन दे रखा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो देखो टेरिलीन जो होता है हमारा क्या होता है, टेरिलीन एक पॉलीमर होता है, किसका पॉलीमर होता है, ये होता है एस्टर लिंकेज का पॉलीमर, ठीक है। जब तो हमारा टेरिलीन क्या हो जाएगा, टेरिलीन हो जाएगा हमारा एस्टर लिंकेज, ठीक है, टेरिलीन पॉलीमर में एस्टर लिंकेज होता है, बताता हूं आपको मैं क्या क्या होता है, टेरिलीन मोनोमर क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो देखो टेरिलीन में जो है वो क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल मोनोमर होता है और एक टेरिथैलिक एसिड होता है, ठीक है, टेरिथैलिक एसिड होता है हमारा ऐसा कुछ। बेंजीन पे अपोजिट साइड क्या लगे होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लगे होते हैं, COH और COOH, ठीक है, बेंजीन 1,4-dioic एसिड, तो उसको बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड, और इथाइलिन ग्लाइकोल क्या हो गया हमारा CH2CH2OHOH, ठीक है, दोनों कार्बन पे क्या लगे होते हैं, OHOH लगे ग्रुप लगे होते हैं। अब क्या होता है जब इनको कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, H2 निकल जाता है, सिंपल क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगी ऐसे निकलेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एस्टर लिंकेज बन जाएगा, ठीक है, ये ग्रुप क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया एस्टर, ठीक है, ये ग्रुप हो गया एस्टर, तो इसके लिए टेरिलीन में क्या होती है, एस्टर लिंकेज होती है। सिमिलरली अगर नायलॉन की बात करें, अगर हम नायलॉन की बात करें, नायलॉन में कौन सा ग्रुप लिंकेज होती है, अमाइड लिंकेज, ठीक है, नायलॉन का भी देख लेते हैं, नायलॉन जो होता है वो नायलॉन 6,6 बोलते हैं उसको, ठीक है, नायलॉन को बोलते हैं नायलॉन 6,6, ये बनता है किससे, हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड से। अब देखो हेक्सामिथाइलिन डायमीन कैसे बनाएंगे, तो देखो 6 मिथाइल है तो 6 मिथाइल लगा दिए, उसके बाद डायमीन, तो एक अमीन इधर लगाया और एक अमीन इधर लगाया, दोनों अमीन टर्मिनल पे होंगे, ठीक है, दोनों अमीन टर्मिनल पे होंगे। और एडिपिक एसिड क्या होता है, एडिपिक एसिड होता है हमारा CH2O4 और COOH और COOH, मतलब 6 कार्बन होते हैं, टर्मिनल साइड्स पे क्या लगे होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लगे होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे अब इसको 6,6 क्यों बोला, तो आपने पढ़ा होगा ये, मैं बता भी देता हूँ कि दोनों मोनोमर में 6 कार्बन है, ठीक है, दोनों ही मोनोमर में 6 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन यहाँ पर, 2 कार्बन यहाँ पर, और इसमें भी 6 कार्बन है, तो दोनों ही मोनोमर में 6 कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नायलॉन 6,6, आया समझ में। अब क्या होगा इसमें, सिंपल H2O निकल जाएगा, अब क्या होगा देखो यहाँ पे H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा, अमाइड लिंकेज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अमाइड लिंकेज बन जाएगा, ठीक है, दिस इज अमाइड लिंकेज, दैट्स व्हाई नायलॉन में क्या होगी, अमाइड लिंकेज होगी, आया समझ में। तो आपको थोड़ा पॉलीमर्स के बारे में पता होना चाहिए, वैसे पॉलीमर्स के बारे में आएगा नहीं क्योंकि आपका चैप्टर एनसीईआरटी डिलीट हो गया है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना था ये। और आरएनए में क्या होता है, आरएनए में हमको पता है सबको कि फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है क्योंकि हमारे फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होगी, तो डी का हो जाएगा हमारा थर्ड, तो डी का थर्ड है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ और सी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन से आपने आंसर निकाल दिया था मैंने जैसे बताया आपको, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे, नाउ नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डायपेप्टाइड ग्लाइसिन, GLYALA क्या बोलेंगे, तो ग्लाइसिल एलिनिन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखो आपको पहले ग्लाइसिन लिखना है और फिर इसको एलिनिन से जोड़ना है और फिर H2 निकाल देना है, क्या करना है आपको, पहले ग्लाय लिखना है और फिर एलिनिन लिखना है। आपको लिखना कैसे है ये बताता हूं आपको मैं, आपको लिखना कैसे वो बताता हूं, आपको लिखना है एल फॉर्म में, ठीक है, कैसे लिखना है एल फॉर्म में। एल फॉर्म क्या बोलती है, हमको पता है कि जो सारे अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं वो नेचर में कैसे प्रेजेंट होते हैं, एल आइसोमर होता है उनका, क्या होता है, एल आइसोमर, एल आइसोमर मतलब कि जो NH2 ग्रुप होगा वो लेफ्ट में होगा, ठीक है, NH2 ग्रुप होगा जो क्या होगा, लेफ्ट में होगा, NH2 ग्रुप हमारा क्या होगा, लेफ्ट में होगा, तो NH2 ग्रुप यहाँ पे भी लेफ्ट में होना चाहिए, यहाँ पे भी लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है, तो एलिन भी आपको ऐसे ही बनाना है और ग्लाइसिन भी आपको ऐसे ही बनाना है। अब ग्लाइसिन में आपको एलिन डालना है, तो ये वाला H2 निकल जाएगा, ये वाला H2 निकल जाएगा और यहाँ पे आपको जोड़ना है, ठीक है, मतलब NH2 आपका लेफ्ट में आएगा। देखो NH2 कहाँ पर लेफ्ट में, पहले तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर देने, तो यहाँ पे हो सकता है ये वाला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे COOH है, NH2 होना चाहिए लेफ्ट में, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे COOH है, तो या तो ये होगा या ये होगा। अब देखो यहाँ पे पहले CH2 आएगा, तो CH2 और फिर CH3 तो बाद में आएगा ना, CH3 तो इधर है, CH3 तो हमारा इधर है, CH3 इधर आना चाहिए ना कि इधर आना चाहिए, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो रिएक्शन दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लिखेंगे, तो रिएक्शन देखो ऐसे लिखेंगे, ये हमारा क्या है, ग्लाइसिन है जिसमें NH2 ग्रुप लेफ्ट में होगा क्योंकि अमीन ग्रुप जो है लेफ्ट में होता है, एल ग्लाइसिन बोलते हैं इसको, और ये एल एलिनिन होगा, ठीक है, ये एल एलिनिन होगा। अगर आपको कुछ नहीं बोला गया तो आपको रिएक्शन करवानी है एल ग्लाइसिन की एल एलिनिन से, क्योंकि जो नेचर में वो लेफ्ट हैंड साइड होता है या एल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे H2 निकल जाएगा,
तो एच टू निकल गया यहाँ पर, एच टू निकल गया तो क्या बन गया, सी ओ एन एच सी एच सी एच थ्री सी ओ ओ एच, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर कहाँ दे रखा है आपको, ये स्ट्रक्चर दे रखा है आपको फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में दे रखा है आपको ये स्ट्रक्चर एन एच टू सी एच टू सी ओ एन एच सी एच सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, सी एच थ्री कौन सा है, ये वाला है, उसके बाद सी ओ ओ एच। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो ध्यान क्या रखना है कि आपको एल आई एल फॉर्म में लिखना है हमेशा, ठीक है, एल आइसोमर की फॉर्म में लिखना है, मतलब एन एच टू को हमेशा लेफ्ट में रखना है। तो इजिली आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, फिर आपके दो ऑप्शन बचेंगे, फिर आपको सिंपल रिएक्शन बनाकर आंसर निकालना था, ठीक है, आए समझ में। तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन, नोट डाउन कर लेना अगर पता नहीं होता तो। सो देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैच लिस्ट विद लिस्ट टू, तो आपको दे रखे कुछ वाइटामिन्स और उनकी कुछ डिजीज रखी कि उनकी डेफिशिएंसी से, इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, तो देख लेते हैं। तो हमको पता है वाइटामिन सी से कौन सी डिजीज होती है, वाइटामिन सी से होता है स्कर्वी, वाइटामिन सी से होता है स्कर्वी, तो ए का हो जाएगा थर्ड। तो ए का थर्ड दे रखा है तीन ऑप्शन में। वाइटामिन ए से कौन सी डिजीज होती है, वाइटामिन ए से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, तो बी का हो जाएगा फोर्थ। देखो बी का फोर्थ दे रखा है दो ऑप्शन में, तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, बी का फोर्थ दे रखा है दो ऑप्शन में, ठीक है। अब वाइटामिन डी, वाइटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स, तो डी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट रखा है यहां पर, सी का फर्स्ट रखा है यहां पर। वाइटामिन बी वन से जो डिजीज होती है वो होती है सेकंड बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी डिजीज होती है वाइटामिन बी वन से, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। तो मैं टिक कर देता हूं उस पर, थर्ड हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ए का थर्ड। ए का थर्ड मतलब वाइटामिन सी से हमारी होती है स्कर्वी, वाइटामिन ए से हमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, वाइटामिन डी से होती है हमारी रिकेट्स, और वाइटामिन बी वन से होती है हमारी बेरी बेरी, ठीक है। तो हमारा ए का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं, मैंने लिख भी रखा है सब कि कौन कौन सी डिजीज आपको याद रखनी है। तो वाइटामिन ए से आपको याद रखना है नाइट ब्लाइंडनेस, वाइटामिन बी वन से बेरी बेरी, वाइटामिन सी से स्कर्वी, वाइटामिन डी से रिकेट्स, ये हमने देख लिया। अगर कैल्शियम की कमी है किसी ह्यूमन बॉडी में तो क्या होगा, वहाँ पर बोन एंड टूथ डीके, क्या हो जाएगा, बोन और टूथ डीके, मतलब जो हड्डियाँ हैं वो एकदम वीक होने लगी हुई और जो दांत है वो टूटने लगी, ठीक है, बोन एंड टूथ डीके। आयोडीन की कमी होने से क्या होता है, गॉइटर होता है, ठीक है, गॉइटर यहाँ पे जो होता है गॉइटर, तो उसको बोलते हैं गॉइटर। तो आयोडीन की कमी होने से गॉइटर होता है, और आयरन की कमी होने से ये ज़्यादातर फीमेल्स में होता है, तो आयरन की कमी होने से एनीमिया होता है, ठीक है, क्या होता है, एनीमिया। तो आपको इसे पता होना चाहिए, ठीक है, आपको सब पता होना चाहिए, कुछ और भी पूछ सकते हैं क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में ज़्यादातर डिजीज पूछ लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी है, अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेकेंडरी कैसा होता है, और टर्शियरी और क्वार्टरनरी कैसा होता है। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है आपको अमीनो एसिड का सीक्वेंस, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है हमको, अमीनो एसिड का सीक्वेंस बताता है। तो ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट कहाँ दे रखा है, तीनों में दे रखा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है आपको, देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, रेगुलर फोल्डिंग ऑफ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो अमीनो एसिड होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, उनकी फोल्डिंग हो जाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर थर्ड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या बताता है आपको, पूरा जब क्वार्टरनरी होता है तो क्या हो जाता है, पूरे प्रोटीन बन जाते हैं, सारे अमीनो एसिड क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, एकदम कॉइलिंग हो जाती है उनकी, उसके बाद क्या बन जाता है, फाइब्रस प्रोटीन बन जाता है। तो हमारा थर्ड का सी हो जाएगा। और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती है, उनका स्पेशल अरेंजमेंट स्पेस में कैसे है वो अरेंज, वो बताता है हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारा सिंपल है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या बताता है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या बन जाता है, हमारा प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। तो आप थर्ड का सी से भी कर सकते थे, ठीक है, थर्ड का सी सिर्फ एक जगह दे रखा है, तो आप इस ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। देख लो ध्यान से कि अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से समझना है तो कैसे करोगे। तो देखो हमको पता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर लास्ट होता है, अगर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर लास्ट में बन जाएगा तो हमारा प्रोटीन बन जाता है। तो थर्ड का सी सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है, तो ये गलत और ये भी गलत। तो दैट्स हाउ ऑल्सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है विटामिंस पे, मतलब अलग अलग दे रखा है, विटामिंस दे रखा है, हार्मोन्स दे रखे हैं, और हमको फंक्शंस दे रखा है और डिजीज दे रखे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स दे रखे हैं। तो देखो हमको पता है, क्या पता है हमको, कि एस्ट्राडायोल जो होता है वो एक फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, आ रहा है समझ में। अब फीमेल सेक्स हार्मोन है तो किस लिए यूज होता है, वो उनका फंक्शन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है, उसका जो फंक्शन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। डी का फर्स्ट रखा है दो ऑप्शन में, तो ये गलत और ये भी गलत। एस्ट्राडायोल हमको पता लग गया। वाइटामिन ए, देखो वाइटामिन ए की तो होती है एक तो होती है नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरी होती है जीरो थैलेमिया, ठीक है, एक डिजीज, दूसरी डिजीज कौन सी होती है, जीरो थैलेमिया। अगर वाइटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई किसी बॉडी में तो उसको क्या होता है, जीरो थैलेमिया भी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता ही है पर जीरो थैलेमिया भी होता है।
तो ए का हो जाएगा सेकंड। ए का सेकंड देखो कहां दे रखा है, ये ऑप्शन में, ये गलत हो जाएगा। ए का सेकंड हो जाएगा, तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, बी का थर्ड थायमिन। अब थायमिन क्या होता है, थायमिन हमारा वाइटामिन बी वन ही होता है, ठीक है, थायमिन हमारा वाइटामिन बी वन ही होता है। तो थायमिन बोलो या वाइटामिन बी वन बोलो एक ही बात है। तो बी वाइटामिन भी हमने देखा ही था कि उसकी वजह से क्या होता है, बेरी बेरी डिजीज होती है, तो बी का थर्ड हो जाएगा। सी क्या होता है, सी जो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये एड्रिनल ग्लैंड्स में होता है, ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड्स में होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स में होता है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स में होता है। तो उसकी वजह से डिजीज कौन सी होती है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज कौन सी होती है, एडिसन्स डिजीज, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज कौन सी होती है, एडिसन्स डिजीज। तो सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट मैंने आपको बताया गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कुछ वाइटामिन्स के आपको स्पेसिफिक नाम भी याद रखने हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये सब भी, ठीक है। तो वाइटामिन ए का जो नाम होता है वो रेटिनोल होता है, साइंटिफिक नाम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, हम कुछ वाइटामिन्स के आपको नाम बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। वाइटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, वाइटामिन बी वन का नाम होता है थायमिन, वाइटामिन बी टू का होता है राइबोफ्लेविन, ये भी पता होना चाहिए, ये फ्लेविन है, विन, राइबोफ्लेविन। और वाइटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको पता होता है, ठीक है, वाइटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाइटामिन्स और डिजीज, ठीक है, वाइटामिन ए से कौन कौन सी डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरो थैलेमिया। क्या होता है जीरो थैलेमिया, मतलब ड्राइनेस ऑफ आइज, जो आइज होती है वो ड्राई हो जाती है हमारी, ठीक है, पानी बहना बंद हो जाता है, एकदम ड्राई रहती है, तो उसको बोलते हैं जीरो थैलेमिया। ये वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, अगर वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में तो आपको क्या होगा, जीरो थैलेमिया होगा। अगर वाइटामिन डी की बात करें तो रिकेट्स, और कौन सी होती है ये भी याद रखना है आपको, ऑस्टियोमलेशिया, क्या बोलेंगे, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, जो बोन्स होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। अगर अगर हम बात करें अडल्ट्स की तो अडल्ट्स के लिए बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, अगर हम बात करें छोटे बेबीज की तो उसको बोलते हैं रिकेट्स, ठीक है। अगर सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इन बेबीज हुआ तो उसको बोलेंगे रिकेट्स, अगर सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इन अडल्ट हुआ तो उसको बोलेंगे ऑस्टियोमलेशिया, क्या बोलेंगे, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, याद रखना वाइटामिन डी की वजह से होता है ये। वाइटामिन ई की बात करें तो रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, ठीक है, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है, रिड्यूस करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, ठीक है, ठीक है, रिड्यूस फर्टिलिटी। तो वो किसकी वजह से होता है, वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा वाइटामिन के, तो वाइटामिन के देखो, वाइटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब अगर आपका खून आया तो वो रुकता नहीं है, ठीक है, वो बहता चला जाता है, बहता चला जाता है और बहता चला जाता है, ठीक है, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होता, ठीक है। अगर वाइटामिन के की कमी नहीं है तो वहाँ पर जो ब्लड क्लॉट होता है वो ईजिली हो जाता है, ठीक है, ब्लड क्लॉट होता है वो ईजिली हो जाता है। तो इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, और जिस क्वेश्चन से जो भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैंने आपको कवर करवा दिया अच्छी तरह, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। अगर आप बायोमोलिक्यूल्स भूल गए हो कि 12th में पढ़ा था, आप याद नहीं आ रहा है और सीयूटी का एग्जाम है, तो मैंने बायोमोलिक्यूल्स सिर्फ 30 मिनट्स में, सिर्फ 30 मिनट्स में पूरा बायोमोलिक्यूल्स कवर कर रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, तो अगर आप बायोमोलिक्यूल्स आपको पढ़ना है तो आप वहां से ही पढ़ सकते हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सीयूटी कंटेंट। आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूं बहुत ही कम टाइम में, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।